हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई भी कारोबार कर रहे हो या इवन जॉब कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या होता है, या आप यूँ समझ लें कि मैं आपको कामयाबी का एक राज बताता हूँ जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। उसके एंड पे अगर आपको वो माइंडसेट समझ में आ गया, वो बात समझ में आ गई, आई मीन द मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया, तो आई कैन गारंटी आप नाकाम नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो। आप इसको शॉर्टकट समझना हो तो शॉर्टकट समझ लेना। आज से 5 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया $3,000 का बिजनेस लेकर। 2-3 महीने काम करने के बाद मुझे कहता है कि यार आप मेरे लिए एक टीम डेवलप करो, मैं आपके साथ लंबे अरसे तक काम करना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने जॉब छोड़ी थी और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, एंड आई वॉज डेस्परेट जस्ट लाइक एनी अदर फ्रीलांसर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता था। मैंने कहा कमाल है, बेहतरीन हो गया, मैं आपके लिए टीम बिल्ड करता हूँ। तो मुझे कहता है दो शर्तें हैं मेरी। उसकी उन दो शर्तों ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने कहा बताएं जी। कहता नंबर वन, जब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आई शुड फील हैप्पी, मतलब जब मैं आपको पे कर रहा हूँ तो मुझे खुशी महसूस होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझे बाद में समझ आया कि ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसके लिए मेहनत भी मुझे करना पड़ी, इसके लिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव भी करना पड़ा, डिसिप्लिन भी रहना पड़ा, कम्युनिकेशन भी करनी पड़ी, क्वालिटी का ख्याल करना पड़ा, मुझे अपनी ज़िंदगी चेंज करनी पड़ गई सिर्फ एक चीज़ को अचीव करने के लिए कि जब कस्टमर आपको पे कर रहा है तो वो दिल से खुशी महसूस कर रहा है। और जो उसने दूसरी शर्त रखी कि यार जब टीम बन जाएगी तो आप मेरा टच पॉइंट होंगे, सिर्फ आप ही मेरा टच पॉइंट होंगे, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर, CTOs इन चक्रों में मत डालना, मुझे सारी अपडेट आपने देनी है, दैट्स इट। मैंने कहा ठीक है, और ये मुझे बहुत भारी पड़ा। उस वक्त मैं अकेला था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, आज मेरे पास 47 प्रोजेक्ट हैं, 250 से ऊपर लोग हैं, 2 टेक कंपनीज हैं। 5 साल हो गए, जो मेरा एवरेज रिस्पांस टाइम है 5 सालों में वो 1 मिनट है। 3.5 साल हो गए हैं हमारा प्रोडक्ट लाइव है, 1 मिनट भी डाउन नहीं हुआ। 24/7 की सपोर्ट होती है, रात को करवट बदलते हुए भी मैं फ़ोन चेक करता हूँ कि कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया हुआ और कहीं सिस्टम डाउन तो नहीं है, कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ। शॉर्टकट की बात कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी, फोकस, डेडिकेशन। और आप एक खूबसूरत बात एंड में बताता हूँ मैं आपको, जब वो मुझे बार बार नोटिस करता था कि मैं रात को हर वक्त एक्टिव रहता हूँ तो मुझे कहते तुम सोते कब हो? मैंने कहा यार मैं सो जाता हूँ लेकिन करवट बदलते हुए मैं फ़ोन ज़रूर चेक करता हूँ कहीं हमारा मैसेज ना आया हो। कहते हैं इस तरह से तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, डोंट डू दिस। तो मैंने उससे कहा आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दिस कि मैंने आपसे वादे किए थे, मेरा इस्लाम मुझे ये कहता, मेरी परवरिश मुझे ये कहती है, जो मैं कर रहा हूँ वो अपने मज़हब की वजह से कर रहा हूँ, अपनी परवरिश की वजह से कर रहा हूँ, ये क्वालिटी देना तुम्हें मेरी मजबूरी है। अब आज कल मुझे पैसों की ज़रूरत थी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, आज शायद तो मुझे नहीं दोगे, मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे आज भी उसी डेडिकेशन के साथ उसके साथ काम करना पड़ रहा है। और क्योंकि मैंने उसको क्वालिटी देनी थी, खुद को इम्प्रूव करना पड़ा, कम्युनिकेशन सीखनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े ताकि मैं उसको क्वालिटी दे सकूँ, सिर्फ एक वादा पूरा कर सकूँ। सो कैसा लगा शॉर्टकट? ये होते हैं अगर जब आप क्वालिटी ओरिएंटेड माइंडसेट लेके चलते हो, अपने प्रोमिसेस पूरे करते हो, आप अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का, अपने दीन का नाम रोशन करते हो। खराफात तब आती हैं जब आप एक्चुअली शॉर्टकट ढूंढते हो। आई होप कि बहुत से लोगों को बात समझ में आई होगी, एंड दिस इज़ ट्रू। आज भी वो मेरा क्लाइंट है।